बैठे हुए हैं, ओमवीर सिंह बैठे हुए हैं, हमारे गाजियाबाद से रुद्र कुमार जी आए हैं, वो भी बैठे हुए मेरे कार्य से कुछ प्रकार से जानते हैं, और कुछ विरोधी नेता हमारे साथ बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा दुख होता है जब जब समाज के ऊपर इस तरह की आपत्ति आती है और हम लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन छात्राओं को, ये अपना समय निकाल करके आए, मुझे भी फेसबुक के माध्यम से इस मीटिंग की सूचना दम मिली, तो मेरे पास में करीब 5,000 जो फॉलोअर्स मेरे से जुड़े हुए थे, मैंने उनको एक एक करके, क्योंकि मैं काम अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ और सारे दिन सोशल मीडिया पर लगा रहता हूँ, और मैंने उनको व्हाट्सअप करने का काम किया। मेरी अंदर एक पीड़ा थी, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों साथियों, ये जो कानून आज हमारे ऊपर थोपा गया है, जो हमारा कानून जो हमारे अहमदाबाद के लिए बना हुआ था, उसको इन्होंने निरस्त किया गया है, वो केवल जो है कोर्ट के माध्यम से कैंसिल होने वाला नहीं है, इसके लिए हमको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई तो हमारे माननीय सांसद थोड़ा भी मन चाहे तो जरा ध्यान देंगे, तो एक तरफ तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी माननीय साहब, थोड़ा सा बुद्धि बन जाइए। मैं एक मिनट वही आ रहा था, एक तरफ तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी कोर्ट से कि आपके जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कोर्ट पे जाए झांसी का दायर करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से सीधे सीधे कोर्ट आपकी बात को सुन ले, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला दिया, आपको सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको रास्ता रोकना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा और इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ आज जो इस प्रकार से छोटी सी आपने प्रयास किया है, कि मैं समझता बहुत बड़ा प्रयास है, हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इस प्रकार से मीटिंग करें और मीटिंग कर करके बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दें, जब जाकर के इस सरकार के कानून पर दूर रहेगी और जो दूसरी पार्टियां विपक्ष अंदर बैठी है वो भी आपका साथ देगी, तब इसका आपका कुछ भला हो सकता है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे आपको कहीं किसी प्रकार से आवश्यकता हो, मैं मैदान में रह करके मैंने बाबा साहब का पूछा तो ऑफिस पर जाकर पता और जहाँ बंदूक के चल रही थी कुछ योग क्या बैठे हुए, मैं डरना वाला नहीं हूँ, मुझे आप किसी भी मैदान पर लगा देंगे, मेरे पास हो सकता है पैसा नहीं, मेरे देखे मेरे घर में मेरे खानदान में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है सर, अपनी बात